नमस्कार, आपका स्वागत है तेज खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राजीव पांडे। यूपीएमपी की सीमा पर दहशत का पर्याय रहे कुख्यात डकैत बबली कोल गिरोह के 4 सदस्यों को यूपी पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट धवल जायसवाल ने बताया कि गैंग की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन में अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार राय के निर्देशन में थाना प्रभारी मऊ सुबोध गौतम ने सफल ऑपरेशन चलाते हुए बबली कोल गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को मारकुंडी जंगलों से गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मारकुंडी के जंगल से बबली कोल के 4 सदस्यों को लूट के मोबाइल, 2 देशी बंदूक, 12 बोर की 6 जिंदा कारतूस, 12 बोर की 2 देसी बंदूक, 315 बोर के 5 जिंदा कारतूस, 315 बोर के बंदूक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से बदमाशों की तलाश की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना के बाद बदमाशों को जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा गया है। थाना मारकुंडी पुलिस और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए बबली कोल गैंग से संबद्ध 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अभी 5 दिन पहले, जैसा कि आपको जानकारी है, मारकुंडी के पाठा क्षेत्र में इन लोगों के द्वारा फंसने के गल में ग्रामीणों से लूटपाट की गई थी। इसी संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था, जो जंगलों में निरंतर कॉम्बिंग कर रही थी, और इसी में पुलिस को सफलता मिली है और ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लूटे गए 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं और 4 राइफलें बरामद की गई हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन सभी 4 व्यक्तियों का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास रहा है। इस संदर्भ में सभी बच्चों की घटना से जांच की जा रही है और अभी भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस द्वारा हर एंगल से जांच की जा रही है कि ऐसे कितने सदस्य हैं, कितने गैंग हैं, और सभी पे विधिक कार्रवाई की जा रही है।